गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है 14 जनवरी और आज है मकर संक्रांति, तो हैप्पी मकर संक्रांति आप सबको। और आज यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ी हुई है दिल्ली में, और हमारे यहाँ बलिया में तो बहुत धूप हो रखी है आज। और आज के दिन पतंग उड़ाते हैं और बहुत लोग दही चूड़ा भी खाते हैं, पर हमारे यहाँ कल है दही चूड़ा, तो जो जहाँ जैसे मनाता है। और काफी दिनों के बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ एक छोटे से ब्लॉग के साथ, क्योंकि आज मेरा दिल किया एक ब्लॉग बनाने का। तो बस कहते हैं ना कि जो दिल करता है वो कर लेते हैं, तो बस यहाँ पे मैं किचन में हूँ और यहाँ पे आपको दिख रही है, पता है मैंने दही जमा रखी है कंबल से ढक के, क्योंकि उसे भी ठंड ना लगे, ठंड लगेगी तो फिर दही जमेगी नहीं अच्छे से। तो अपनी अपनी टेक्निक होती है, अपने अपना तरीका होता है सबका। और मैंने यहाँ पे खाना में चढ़ा रखा है दाल और मूली का साग बना रही हूँ एक, और एक सब्जी है मेरे पास पनीर की, दो पालक पनीर, तो बच्चे खा लेंगे पालक पनीर और मैं खाऊंगी मूली का साग, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे काट रखा है मैंने सलाद, और क्योंकि अभी साढ़े ग्यारह का टाइम हो रहा है, तो मॉर्निंग है, तो बस बच्चों का क्लास स्टार्ट है, तो चलिए अपने बच्चों से मिला देती हूँ, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं आप लोगों को मिले हुए उससे। तो फिर चलते हैं, और सारे काम मेरे करीब करीब हो चुके हैं। थोड़ी सी धूप निकल रही है, कभी धूप हो रही है कभी छांव हो रहा है, और जो भी है थोड़ा थोड़ा काम करते करते दिन कट जाते हैं, क्योंकि वैसे तो अभी की स्थिति आपको पता ही है कि कैसी हो रखी है, क्योंकि कोविड से थोड़ा सा बचना है आप सबको और बच्चों को भी बचा के रखना, जो जहाँ रहे सेफ रहे घर में रहे, और मेरी यही दुआ है आप सबसे। तो चलिए फिर मिलते हैं बच्चों से, मिलाते हैं आपको। और ये रहे हमारे, ये रहा युग और ये है गुनगुन, और यहाँ पे थोड़ी सी कुछ चीजें चेंज हो गई है, तो देखिए आप सब भी देख लीजिए। तो यहाँ पे था एक बेड जो कि अभी रूम में लगता है ठंड की वजह से, और ये पूरा हॉल खाली रखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने लगा दिया एक थोड़ा सा वॉलपेपर, तो बस यहाँ पे। और ये है गुनगुन का टेबल जहाँ पे ये पढ़ाई करती है, और ये है मेरा फ्रिज जो कि पहले की जैसा ही है, बिल्कुल कुछ नया नहीं है। तो बस यही छोटी सी एक मैंने सोचा कि चलिए आज आप लोग तक एक ब्लॉग लेके जाऊं। और यहाँ पे पूजा का मेरा घर है, और ये है मेरा भाई, मिल लीजिए इससे, और दो दिन के बाद बोला है कि नहीं नहाएगा बोल रहे हैं कि आज तो मैंने नहा लिया पर दो दिन मैं नहीं नहाऊंगा क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। तो मैंने बोला बिल्कुल भी ऐसी नहीं चीजें होंगी। तो बस यही पे एक छोटा सा ब्लॉग, और काफी दिन से पता है मुझे भी मन हो रहा था कि मैं भी एक ब्लॉग डालूं, तो आज फाइनली मैंने इसे सूट कर ही लिया। और बेड थोड़ा सा बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी हीटर के साथ मतलब बैठूंगी मैं किचन से आने के बाद, क्योंकि पानी में जब हाथ जाता है ना तो उस समय लगता है 440 का करंट एकदम तेज वाला। और पता है मेरे हिसाब से ना, अगर किसी को ज्यादा ठंड लग रही है ना, तो वो सब कुछ नहीं करना है, जाके ठंडे पानी से हाथ धो लो, सारी ठंड भग जाएगी। किचन से निकल के आने के बाद गजब की ठंड लग रही है, और पता है सिंक में जो बर्तन एक दो धो रहे हैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। और थोड़ी थोड़ी धूप हो गई है आज, दो दिन से पता है बिल्कुल भी धूप नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं धूप हो रही है। तो अभी थोड़ी सी धूप हुई है, और कपड़ा भी मेरा धुल गया था, और अब बस थोड़ा सा कुछ काम है, ज्यादा तो है नहीं। और कल है दही चूड़ा, तो दही चूड़ा आप लोग इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ का दही चूड़ा फेमस है। तो बस अभी बच्चे क्लास कर रहे हैं, और पीयूष पता है अभी नहा कर आया है थोड़ी देर पहले, बोला कि मैं तो दो दिन और नहीं नहाने वाला, क्योंकि यहाँ पे पता है सच में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, मतलब बहुत ज्यादा। लेकिन कहते हैं ना कि ठंड का काम है ठंड होना, और बाकी सारे काम तो रुकते हैं नहीं, खाना खाने के टाइम पे भूख लगी जाएगी, नाश्ते के टाइम पे भूख लगी जाएगी, तो वो सब कौन मतलब वो करेगा। बस एक है कि ठंड नहीं, मतलब ठंड है, बच्चे उठते हैं पता है सुबह में, तो मेरे बच्चों में एक प्लस पॉइंट कहें या फिर जो भी कहें, ठंड हो या गर्मी, एक दिन भी स्किप नहीं करते नहाना, और नहाते ही हैं क्लास के मतलब पहले, उनको किसी भी हालत में वो नहा ही लेते हैं। जिस दिन कहते हैं कि मम्मी मुझे नहीं नहाना है, तो मैं बोलती हूँ ठीक है कोई नहीं, नहाओ नहीं, दूध भी नहीं मिलेगा आज, नाश्ता भी नहीं मिलेगा, धड़ाधड़ दोनों लोग जाके आराम से नहा लेते हैं। मेरी मम्मी कहती है इतने छोटे बच्चे नहा लेते, तू तो इतना बड़ा हो गया है, भाई को मेरे, तो अभी तो बस वो नहावा के और बैठा हुआ था, और सारे काम मेरे हो चुके। अब थोड़ी सी धूप तेज हो जाए तो हम लोग छत पे जाएंगे और बैठेंगे, और बच्चों का क्लास खत्म हो जाएगा उस समय तक। और तो बस छोटा सा ये ब्लॉग है आप तक जाएगा, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज कमेंट करना, और किसको किसको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, किसको किसको देखना है, तो प्लीज 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 कमेंट करना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी मकर संक्रांति।